गाइस तो मैं अपनी जनरेशन या फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आए भाई आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस सुबह के बज चुके हैं एक, मैं रात को लेट सो रहा था इसलिए अभी उठा 12 बजे, नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं। तो आज जाने वाले हैं बैक टू होम। आज मैं मेरी मतलब ट्रेन है 4:15 बजे, मैं निकलूँगा। अभी थोड़े काम से आ रहे हैं एक जगह पर, वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए तो गाइस दीदी हम मैं जा रहा हूँ आज घर पर। तो दीदी लोग हमारे पास आई थी, हमारे जी आई जी की बहनें हैं, ये बड़ी दीदी हैं, ये छोटी दीदी हैं, मंजली दीदी अभी रूम में सो रही हैं। हम लोग दीदी को दिला रहे हैं साड़ी। दीदी चले साड़ी ले। हम लोग आए दीदी के लिए साड़ी लेने के लिए, चलिए चलते हैं। इस हम लोगों ने ले लिए, ये छोटी दीदी की नहीं, ये छोटी दीदी के लिए। अच्छा नहीं 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 जी, ये नहीं नहीं देखो ये आपके लिए, ठीक है। ये हमारी बड़ी दीदी के लिए, ठीक है दीदी, ओके। और ये हमारी मंजली दीदी के लिए, ठीक है। आपको कल दे दी थी हमने, ठीक है। डिसाइड हो गया ना, ठीक है, एक ही में रख दीजिए, ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गाइस मेरा टाइम हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं। ये चले चले मान हम जाएं, पहले जाएं, बाय, ओके, चलो चलो जाओ हो, ठीक है चलते हैं सब लोग के लिए। बाय बाय बाय। रखा मेरा बैग, रेडी हो चुका है जल्दी। गाइस मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो मतलब 3:50 हो चुके हैं और 4:20 पे मेरी गाड़ी है, बताइए लेट हो चुके हैं, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। चलिए तो गाइस फाइनली आ चुके हैं स्टेशन। जोर भाई ने हमें छोड़ दिया, चलते हैं भाई, मिलेंगे जिंदा रहे तो दोबारा भी मिलेंगे, ठीक है, बाय। बाय गाइस हम बहुत लेट हो चुके हैं, 10 मिनट बचे हैं हमारे, तो मेरे को जाना है तो 1 किलोमीटर चल के, क्योंकि कल्याण स्टेशन पर ईस्ट में बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है, बहुत दूर है स्टेशन। मैं जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, देखिए यहाँ से पूरा चल के तो ऊपर से उतरता फिर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्योंकि लेट भी हो रहे हैं। चलिए गाइस फाइनली आ चुके हैं, बैठ चुके हैं अपनी सीट पर। मेरा है ये 14 नंबर, दिस ये मेरा 14 नंबर। तो गाइस 1 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी तो 5:20 पे आई, बैठ चुका हूँ। चलिए बैठते हैं, सब सही से करते हैं अपना आज का सफर। तो गाइस हमारे ट्रेन में सफर हो चुका था, शाम के बज चुके हैं 6:50, हमें आंटी जी मिले हैं, अंकल जी मिले हैं, हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, ये रखे हैं बड़े पाव, हम लोग भी खाएंगे, चेक करते हैं कैसी बनी, बढ़िया है। कोई कैसी है कॉफ़ी, कैसी है आंटी कॉफ़ी, अच्छी है, ठीक है। अंकल आंटी भी झांसी जा रहे हैं, मैं भी झांसी जा रहा हूँ। अंकल झांसी में कहाँ रहते हैं आप, कैंट में तो भी ना, झांसी कैंट में, वाइट टाइगर रेजिमेंट, झांसी में। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9, हमें लग रही है भूख, अब थोड़ा खाना खाते हैं, चलो हाथ धो के आते हैं पहले। गाइस अब खाएंगे खाना, खाने में आलू छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल चावल, रोटी, सलाद, अचार। अंकल आंटी भी खा रहे हैं, उधर अमन भाई भी खा रहे हैं, उनसे मेरी दोस्ती हो गई है, ग्रैंडी देखो कितने प्यार से खा रहे हैं और मैं भी खा रहा हूँ। चलिए खाते हैं, अब घर से खाना बना कर लेके आए। अंडी से क्या कहते हैं, बीन्स, दो बस बस, ये भी टेस्ट करते हैं। गाइस खाना पीना मस्त खा लिया है, अंकल जी ने भी खा लिया, हम लोगों सब ने खा लिया। गाइस ट्रेन में जो खाना मिलता है वो बहुत ही बेकार मिलता है, बहुत ही बेकार। मैंने भी लिया, उसने बोला स्पेशल थाली 120 रुपए के लिए, लेकिन स्पेशल थाली के नाम पे उल्लू बना दिया है ना अंकल जी, तो हमें बिल्कुल उल्लू बना दिया। लेकिन ट्रेन में जब बैठते हैं तो जब हमारे आसपास बैठते हैं तो एक फैमिली तरीके से बन जाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारतवासी सब लोग एक मिल के रहते हैं, कोई नहीं देखते क्या क्या है, तो अच्छा लगता है भावना। आप लोगों को भी सब लोगों को मिल के रहना चाहिए, आपस में प्यार भावना बना के रखना चाहिए। तो भाई सुबह पहुँच जाऊँगा मैं अपने घर 9 बजे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आज का थोड़ा छोटा सा रहा, मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन मैं अब जर्नी हो गई हुई
तुम मुंबई से झांसी का, तो आई होप थोड़ा सा पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस कौन सा सीजन आ चुका है, 40 का गवा। तो आज के लिए अलविदा, मैं विजय जैक्सन, जय हिंद।